ईद के बाद ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद का त्यौहार मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें मुस्लिम समाज अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है। यह कुर्बानी बकरे और बड़े जानवर के रूप में दी जाती है। मुंबई में बकरीद के त्यौहार को मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए देवनार की बकरा मंडी पूरी तरीके से तैयार है, जहां आप बकरा खरीदने के अलावा कुर्बानी भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से बंद देवनार इस साल लोगों का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बारे में जानकारी देते हुए देवनार कत्ल खाने के जनरल मैनेजर डॉक्टर कलीम पाशा पठान ने कहा कि 29 जून से लेकर 12 जुलाई तक लगने वाले इस बकरा मंडी की शुरुआत अब हो चुकी है, जहां पर किफ़ायती दामों में आप बकरा खरीद सकते हैं। उसको 29 तारीख से लेकर के तो 12 तारीख तक, यानी कि 12 जुलाई 29 जून से लेकर के 12 जुलाई तक ये यहाँ पर मंडी लगी हुई है। यहाँ पर आकर के नागरिक अपना बकरा खरीद सकते हैं और ये जो बकरा बाहर ले जाने की जो फीस होती है वो बिल्कुल मुफ्त है। मुंबई महानगर पालिका ने इस बार बकरों को चोरी से बचाने के लिए देवनार में बिक रहे हर एक बकरे का एक QR कोड तैयार किया है। खरीदे गए बकरे की QR कोड की स्कैनिंग के बाद ही आप देवनार बकरा मंडी से बाहर जा सकते हैं। नागरिकों को ये भी देखना है कि वो जो बकरा खरीदते हैं वो बिल्कुल व्यापारी जो है उसको हमने आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, मतलब आई कार्ड दे रखा है, और वो QR कोड स्कैन करके ही वो बकरा अपना बाहर ले जा सकता है, क्योंकि हर गेट्स पर QR कोड स्कैनर लगे हुए हैं हमारे, तो उसके पास जो रिसीट रहेगा वो स्कैन करके ही जाएगा ताकि वो बकरा चोरी का ना हो। जो आपके हाथ में जो बकरा आ रहा है, जो आपको बेचा जा रहा है, वो चोरी का ना हो, इसके हमने पूरा इंतजाम करके रखा है। इसके अलावा डॉक्टर पठान ने मुंबई प्रेस से बातचीत में ये भी बताया कि कुर्बानी के लिए MyBMC ऐप पर जाकर रेलवे टिकट की तर्ज पर कुर्बानी का टाइम स्लॉट बुक कराया जा सकता है, ताकि आप भीड़ भाड़ से बच सकें। महानगर पालिका ने एक पॉलिसी तैयार की है और वो पॉलिसी के जरिए, और ये पॉलिसी जो है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट होता है उसके डायरेक्शंस के हिसाब से ये पॉलिसी हमने तैयार की है। उसको ये पॉलिसी को 2019 में हमने एक हाईकोर्ट के सामने भी रखा था, हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको मतलब एक अच्छा कदम बताया था तभी हाईकोर्ट ने हमको। तो उस पॉलिसी के हिसाब से जो भी देवनार के बाहर जिसको बकरों का कुर्बानी करना है उसको एक हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया है। वो एप्लीकेशन के ज़रिए वो MyBMC ऐप उसमें डाउनलोड करना है आपको, और वो ऐप डाउनलोड करने के बाद वो GIS बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा। उसमें जहाँ भी आप जो भी एरिया में रहते हो उसी एरिया में अगर कुछ डेसिग्नेटेड मार्केट अगर होता है, वो ऐप इस तरीके का है, वो पॉलिसी इस तरीके की है कि वो जो हमारे जो मार्केट्स है, कुछ डेसिग्नेटेड प्लेसेस है जो हमने पहले से ही डेसिग्नेट करके रखे हैं, वो कुछ मार्केट्स के प्लेसेस है, वो नॉन वेज मार्केट्स हैं। देन अगर किसी की खुद की जगह है तो उसको भी अप्रूवल वार्ड ऑफिसर लेवल से दिया जाता है, और कुछ कम्युनिटी प्लेसेस भी अगर रहेंगे तो उसको भी अप्रूवल दिया जाएगा। तो उसका उस एप्लीकेशन का आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और उसी के ज़रिए ही अपनी कुर्बानी अदा करें। डॉक्टर पठान ने मुंबई प्रेस के माध्यम से लोगों से अपील की है कि सिर्फ प्रशासन के द्वारा मान्यता प्राप्त बाजारों से ही बकरा खरीदें और BMC द्वारा परमिट की गई जगहों पर ही कुर्बानी करें। ऐसी जगह कुर्बानी ना करें जिससे दूसरे समाज की भावना आहत हो। मुंबई प्रेस की भी लोगों से अपील है कि आप गली मोहल्लों में लगाए जाने वाले गैर मान्यता प्राप्त छोटी मंडियों से बकरा ना खरीदें और सिर्फ उन्हीं जगहों पर कुर्बानी करें जिसे प्रशासन ने कुर्बानी करने के लिए अधिकृत किया हो। कैमरामैन रिजवान अंसारी के साथ मोहम्मद सैयद अंसारी, मुंबई प्रेस, मुंबई। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।